मैं एक्चुअली सिंधी हूँ, तो मेरे को नौकरी करनी नहीं थी, ये अच्छा। मेरी बीबी है, पहले गर्लफ्रेंड थी, चाह रहा था ये बीबी बन जाए। अच्छा। तो इसने जिद किया कि पहले नौकरी करो तभी घर में बताऊंगी, इसके पापा सब ऑफिसर वगैरह है। अच्छा। तो अब इसको नौकरी भी बतानी थी, तो मैंने एक नौकरी ज्वाइन कर ली। इसने बोला कितनी सैलरी है, क्योंकि पैसे वाले थे, तो मैंने 50,000 बता दी और मेरी थी 9,000 रुपए। अब वो डे वन से -41,000 तो चल ही रहा था, 50,000 इसको एक्सपेक्टेशन 50,000 की, मेरे बाप को 25 अलग बता चुका था। अच्छा, अपने पापा को 25 बताया था, के बाप को 50 बताया, थी 9। अच्छा। माइनस माइनस माइनस, इतना माइनस हुआ, 50,000 की गिफ्ट इसको दिलवाए, पापा को भी थोड़ा बहुत शर्ट वर्ट दिलवा दिया, आज तक माइनस में ही चल रहा हूँ मैं। तो कब कब बताया आपने इनको कि वो झूठ बोला था? मैंने अभी आपके सामने। एक अच्छी बात ये हुई अर्चना मैडम, क्योंकि ये पैसे वाली है तो किस्त में वापस आ रहे हैं पैसे मेरे। इनसे पैसे ले रहे हो आप? हाँ, तो क्या होगा बीबी ये। वैसे इक्वालिटी के टाइम में इट्स ओके। आप कहोगे तो आपसे भी ले लूंगा। भाई मैं किसी और की बीवी हूँ, मैं उसे दूंगी, तुम्हें क्यों दूंगी। तो आप भी ये जॉब करती हैं? आप क्या करती हैं? जी मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, वाह, सीए है वाइफ आपकी। हाँ, क्या बात है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। नहीं, अब तो सैलरी ज्यादा हो गई होगी। नहीं तो... अब मैंने फिर नौकरी छोड़ दी शादी के बाद, वापस धंधा ही किया। करना तो बिजनेस ही था ना मेरे को। अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। थैंक यू सर, शुक्रिया। कहाँ से आया? मुंबई से ही है? नहीं, भोपाल से आया हूँ। अच्छा, एक तकलीफ ये है कि इसकी नौकरी बॉम्बे में लग गई है, तो शनिवार इतवार इससे मिलने आता हूँ भोपाल। अच्छा, और आप भोपाल में अकेले? हाँ, मैं खुश हूँ वहाँ पे। अच्छी बात करता है ना। हाँ, इंटरेस्टिंग बात करते हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहित शेवानी है। बड़ी चटपटी बातें करते हैं। हाँ, ऐसे एंटरटेन करते हैं आपको घर पे भी, यही इधर कर रहे हैं? हर कहीं एंटरटेन करते हैं। मतलब ठीक निकला बंदा। हाँ। चलिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। बहुत खुश हो? हाँ, वो लगी रही है ना, क्योंकि आप मतलब है, क्योंकि शनिवार भी है ना। हाँ, आप आए हुए हैं। हमने होटल भी बुक किया हुआ है। होटल क्यों बुक किया हुआ है? क्योंकि ये पीजी में रहती है और 6 लड़कियां रहती है। अच्छी बात है, तो उधर जाकर मेरे को नहीं जाने देते ना। अच्छी बात क्या है, आपको 6 लड़कियां सुन के अच्छा लग रहा है आपको? चलिए, बहुत अच्छा लगा भाई साहब आपसे मिलकर। क्या मजेदार बातें करते हो आप। धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। हाँ जी, और कोई हमारे दोस्त इस मुद्दे पे विशेष वार्तालाप करना चाहते हो? जी भाई साहब। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम राज सिंह है। एक्चुअली जब मैं पहली बार अपने घर से लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया। अच्छा जी। तो एडमिशन लेने के बाद थोड़ी सी सिचुएशन टफ थी मेरी, तो उस समय मेरी एक फ्रेंड बन गई जिसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। किस मामले में? पैसे के मामले में, मोटिवेशन के मामले में। अच्छा, मोटिवेट। तो पैसे होते नहीं थे तो मैं जॉब भी ढूंढता था, तो जॉब ढूंढता था तो जॉब मिल नहीं रही थी, तो उसने बोला कभी ना कभी मिल जाएगी। तो इस तरीके से उसने काफी मोटिवेट किया मेरे को। और आप ही को मोटिवेट क्यों किया? मैं रीजन जानना चाहता हूँ। उसने मेरे को एक्चुअली मोटिवेट इसलिए किया क्योंकि मतलब हमारी फ्रेंडशिप थोड़ी अच्छी हो गई थी, मैं भी मोटिवेट करता था, उसने मेरे को मोटिवेट किया। हमें नहीं कोई मिला मोटिवेट करने वाला। तो मोटिवेशन से मुझे नेक्स्ट डे जॉब मिल गई, एक जगह में गया। अच्छा। तो मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई। मोटिवेशन की वजह से मिली जॉब। हाँ। तो ये मोटिवेशन आपको कहाँ देती थी, कोई जगह थी प्रॉपर कोई? वो जगह लखनऊ यूनिवर्सिटी थी जहाँ मैं पढ़ता था, वो जगह वहीं थी, तो उधर ही मोटिवेशन लेते थे आप। उसके बाद मेरे को जॉब मिल गई, तो मुझे पहली सैलरी 3,500 मिले, उसमें से 500 मैंने उसको दिया मोटिवेशन का बिल। तो मेरी फर्स्ट सैलरी का 500 मैंने उसको दिया, और उसने वो इतना इम्प्रेस हुई कि मैंने मतलब फर्स्ट सैलरी उसको दिया, और बाद में वो मेरी वाइफ बन गई, तो आज वो मेरी वाइफ है। आपके साथ आई आपकी वाइफ? साथ नहीं है क्योंकि मेरा 2 साल का बेबी है और यहाँ बच्चा अलाउड नहीं है, तो मैं छोड़ के। तो बेबी आप संभाल लेते, उनको भेज देते। नहीं, मैंने सोचा पहले मैं होके आता हूँ, बाद में तुमको भेजूंगा। मोटिवेशन आधी आधी, बच्चा वो अकेली संभाले। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, शुक्रिया। थैंक यू। क्षमा एक मिनट, इसका मेरे को जरूरत ना है, ये रखो। ये कपूर शर्मा, तुम क्यों खड़ा हो गया यार? तुम्हारा खड़ा हो सकता है ऊपर, तो हमारा खड़ा। मेरे को रिस्पेक्ट दे रहा है यार, और बनता भी है। या बनता भी है। या ब्रो, लाइक मेरे को सब में यकीन ना हो रहा, आई डोंट बिलीव दिस। मतलब बैड बॉय बॉस सोनाक्षी सिन्हा, इतना बड़ा बंगला, बड़ा गाड़ी वाला लोग तुम्हारा इधर आता है यार कपूर शर्मा?
कुछ तो बात होगा यार तुम में. ए काम करो यार, मेरा इनसे वो कराओ ना, वो क्या बोलता है यार उसको, वो जो एग्जाम में जब चीटिंग करता है पेपर पे लिख के लेके जाता है वो क्या होता है, पर्ची. हाँ मेरा इनसे पर्ची कराओ ना. अबे पर्ची नहीं परिचय. तुम्हें ज्ञान क्यों पेल रहा है, करा दो ना यार. बादशाह जैसे आप डीजे वाले बाबू हैं, ये पीजे वाला बाबू है. ये तो तुम मेरा परिचय का दुर्गति निकाल दिया यार. आप रहने दो, मैं खुद करेगा. सर मैम मैं अक्षय यादव है, मैं बच्चा यादव इधर एक है पहला, मैं उसका भाई, मैं लंदन से आए है. लंदन से आए तो आपका अमेरिकन एक्सेंट क्यों है? मैं इट्स नॉट लाइक दैट. I got English also. Yeah. 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 Thank you. Yeah. So now what है कि मैं आपका फिल्म का ट्रेलर देखे, आप उसमें डॉक्टर है? Kind of. Yes. मैं बताता हूँ मेरे को प्रॉब्लम क्या है मैम. क्या होता है, मैं जब भी धूप में बाहर जाता है ना, मैं लीक करता है. सही? नहीं, धूप में खड़ा रहता है मैं तो पूरा इधर बॉडी बॉडी में पानी पानी लीक करता है. मैं अबे लीक नहीं करता है, पसीना आता है. और मैं आज तक सोचता रहा कि मैं पंचर हो गया है. माय बैड, माय बैड. वैसे मैं सोनाक्षी जी, साउथ इंडिया में आपका एक फिल्म आया था लिंगा बोल के, आज का दिन में आपको शायद पता नहीं होगा, आज का दिन वो श्रीलंका में रिलीज हुआ है, लेकिन वो लोग नाम चेंज किया, वो लोग मलिंगा रख दिया. ये तो कुछ भी ना आया, शुक्र मनाइए कि आज रिलीज हुआ, कल होता तो कलिंगा रख देते. हम सब कलिंगा कैच कैच के खाते. अच्छा गेस्ट से ऐसे बात करते हैं? तुम्हारे लिए गेस्ट होगा यार, मेरे लिए मित्रू जी का बेटे आए है. मित्रू जी का नहीं, शत्रु जी का. तुम्हारे लिए शत्रु जी है, मेरे लिए मित्रू जी है यार वो. मेरे से चाबी मिलता है वो उनका बदायूं का लल्ला निकल जाता है. और मैं अर्चना जी आपके बारे में भी वो पूछ रहे थे. अच्छा क्या पूछ रहे थे? पूछ रहे थे वो चापड़कंज जी कैसे आए. ऐसा वो पूछे पूछ रहे थे आपके. झूठ बोल रहा, तू बड़ा जानता शत्रु जी को. बहुत अच्छी तरह जब भी मित्रू जी लंदन आते है मैं उनके घर पर ही रुकता है. तू बेवकूफ है, वो लंदन जाएंगे तो तेरे घर में रुकेंगे ना. हाँ. नहीं मेरे घर कैसे रुकेगा, मैं तो ब्रिजवासी है ना. अच्छा मथुरा में रहते हो? नहीं नहीं मैं लंदन ब्रिज का नीचे रहता है. लेकिन मैं जब भी मित्रू जी आता है मैं उनके घर पे रुकता है. जब भी कभी शिल्पा शेट्टी लंदन आता है मैं उनके घर पे रुकता है. तुम भी आओ यार लंदन, मैं तुम्हारे घर पे रुकेगा. कभी कभी मैं सोचता मैं इतना सारा रुकेगा तो मैं चलेगा कब. वैसा लेकिन बादशाह जी आपसे एक सवाल था. सवाल था, मैं पूछना चाह रहा है कि आप अपना माता पिता का दूसरा बच्चा है ना? क्यों? क्योंकि पहला शाह होगा उसके बाद ही तो बादशाह होगा. बादशाह. लेकिन सच में सर आप शाह है, आप शाह है लेकिन फिर भी बिल्कुल गुजराती लगता नहीं है. हर शाह गुजराती थोड़ी होता है. वो तो मेरे को मालूम है, हर शाह गुजराती नहीं होता, हर शाह तो बोगले होता है. लेकिन सर मैं आपको बता रहा है, मैं आपका फिल्म देखा बादशाह, मेरा अचंबा निकल गया यार देख के. मैं हूं नहीं उसमें. नहीं नहीं और इंटरवल के बाद तो मेरा भौचक्का निकल गया. और धीरे धीरे पूरा फिल्म निकल गया. आप आया है ना फिल्म में? वो इनकी फिल्म नहीं है वो, बादशाह शाहरुख खान की. शाहरुख खान. शाहरुख. अभी तुम ये बोलना नहीं कि वो भी गुजराती नहीं है शाह. नहीं है वो गुजराती नहीं है. तुम तो अभी बोल देगा नसरुद्दीन शाह भी गुजराती नहीं है. तो नहीं है ये सब शाह लोग गुजरात क्यों छोड़ दिया है? ये चल क्यों रहा है? ए, अच्छा क्या फालतू बातें कर रहा है? मैं बहुत बिजी आदमी है यार, फालतू बात करने का टाइम है नहीं मेरे पास. देखो मेरा फोन भी बज रहा है, एक मिनट रुक. ए देखो पिटबुल का फोन आ रहा है अमेरिका से. पिटबुल. एक मिनट. हाँ पिटबुल. अरे बोल ना यार मैं सुन रहा है. बुल, तुम्हारा बुल में दर्द हो रहा है? बुल को दर्द हो रहा है, तुम एक काम करो,
बादशाह जी का एक गाना आया, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चूल, वो उनको सुनाओ, हो सकता है तुम्हारा बुल को चूल से प्यार हो जाए, फिर तुम्हारा घर में चुलबुल होगा। फिर किधर से तुम अपने घर में एक पांडे लेके आ जाना, फिर तुम्हारा घर में चुलबुल पांडे होगा, फिर तुम्हारा घर में दबंग होगा, फिर जिंदगी भर हुड़ 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 तुम करते रहना, ठीक है? ये बात भी ठीक है। वैसे भी और मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता है, पेट भूल जाओ मुझे, समझा? चलो मैं फोन काट रहा हूं। अच्छा, करने के आया तू इधर? मैं सर आपको बता रहा हूं, मैं जिधर से है लंदन से, उधर का जो क्वीन है रानी एलिजाबेथ, वो बैठ बैठ के थक गया है। उनको अपना लाइफ में कुछ रोमांस चाहिए, तो मैं बादशाह जी आपके लिए मैं अपना रानी का वो लेके आया, वो क्या क्या बोलता है यार, जिसके बाद लड़का लड़की अपने आप को कमरा में बंद कर देता है, कुंडी लगा देता है, दूध वूध पीता है और अंदर किसी को आने नहीं देता है, शादी शादी। मैं शादी का रिश्ता आपके लिए, क्वीन का शादी का रिश्ता लेके आया है। She's दादी, not शादी। वो आपका दीवानी है, आपके कहने पे तो वो भैंस भी चढ़ाती है। भैंस क्यों? क्यों? क्योंकि उनको डांस नहीं आता है ना, और ये बोले हैं जिनको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चढ़ाए। और आपके कहने पे वो रोज अकड़ बकड़ भी करता है, रोज करता है, इतना अकड़ बकड़ उन्हें किया है कि अब तो उनका बकड़ सूज गया है। बहुत दीवाना है आपकी। एक बार आप उनसे शादी कर लिया ना, फिर आपको हनीमून का भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। क्यों? वो पहले ही 3-4 बार जा चुकी है, उनको आता है। तो बताइए आपकी तरफ से ये रिश्ता, मैं ये एक कपड़ा को ऐसा फोल्ड करते, क्या बोलते उसको, तय? हाँ, तय समझू? नहीं, आप अपना टाइम लो, कोई टेंशन ना है। देखो कपड़ा तय करने में इतना टाइम लगता है, आपको तो पूरा जीवन तय करने का है। टेक योर टाइम, बट सोनाक्षी जी, मैं आपको भी मायूस नहीं करेगा। मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। मैं आपके लिए एक कमाल का NRI लड़का का रिश्ता लाया है। कहाँ है लड़का? तुम पीछे देखो, पीछे तो देखो, पीछे देखो, इधर है। तुम पीछे देखते रहो यार, लड़का इधर है। मैं आपको बता रहा हूं, तुम लोग क्या चिल्ला रहे हो, मेरे इतने बुरे दिन आ गए। लेकिन आप भी अपना टाइम लो, मैं किसी को फोर्स नहीं करेगा, टाइम ले, लाइफ का डिसीजन है। आप क्वीन के बारे में सोचो, आप मेरे बारे में सोच सकते हैं तो सोचो। तेरे लिए मैंने एक चीज मंगवाई है। क्या? धक्के खाएगा? लेकिन मैं जाने से पहले आपको बताए, लंदन में मेरा प्रोफेशन, आई एम ए जोशी टी देयर। जोशी टी? जोशी टी नहीं, ज्योतिषी। हाँ वही वही, फ्यूचर बताता है फ्यूचर। मैं तो अभी वर्ल्ड कप चालू हुआ ना, चालू होने के पहले मैं बोला कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, लेकिन इंडिया जीता नहीं। देखो मेरा काम बताना है, जीतना उनका काम है। नहीं लेकिन मैं सीरियसली आपको बताया, आपको बुमरा मालूम है? बुमरा? हाँ। मेरे से मिलने से पहले वो सिर्फ बूम था, उसको रा मैंने दिखाया, तब जाके वो बुमरा बना है। सर मैं हाथ देखेगा आपको भविष्य बताएगा। क्या? भविष्य बताएगा। मैं क्या आपका हाथ देख, एक ए, मैं पहला ये इनका, मेरे को हाथ, मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है, हाथ दिखाओ। ए ब्रो, तुम्हारा तो 5 उंगली है। तो 5 ही होते? नहीं नहीं ब्रो, हमें फोटोज देखा हमेशा 3 दिखाता है। पांच है तो 3 क्यों दिखाते है? तुम्हारा 2 उंगली शर्मीला है क्या? दुनिया के सामने लाओ 5 उंगली यार, दिखाओ कैमरा को, डरने का नहीं, 5 उंगली दिखाओ, कुछ नहीं हो रहा है। मैम देखोगे मेरा हाथ? ना ऐसा नहीं, मेरे को थप्पड़ से डर लगता है। भविष्य सब लोग बताता है, बहुत सारा जोशीटी है जो भविष्य बताता है, बहुत है जो पास्ट बताता है कि पिछला जन्म बताएगा। हाँ। आज तक आपने कोई ऐसा जोशीटी देखा है तो वर्तमान बताए, प्रेजेंट मैं करता है वो। आप हाथ दिखाइए। ओके नो नो ओके नो, आप इस वक्त कपू शर्मा शो में
बैठ के अपना हाथ मुझे दिखा रहा है। वाओ, ये वर्तमान है, प्रेजेंट। वाह, ये जो तुमने बात की है, लोहे का मुक्का मरवाऊंगा तेरे पेट पे। कितना फालतू बात किया है। अरे क्या, मैं कौन बताता है यार, मैं जोशी थी कमाल का। आप कभी लंदन आओ, मैं आप सबको बोल रहा है, आप सब प्लीज लंदन आइए, मैं एक एक करके सबके घर पे रुकेगा। ऐसे मेरा एक आध साल निकल जाएगा, आप हर साल आएगा तो मेरा जिंदगी निकल जाएगा। आ जाओ, ऑलराइट, थैंक यू। Thank you.